हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। आइए लेके हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत सा सेशन, जिसका आप लोगों को हर महीने इंतजार रहता है। ये हमारे महीने का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही वैल्यूबल सा सेशन रहता है हर बार। तो आप लोग इस सेशन को तो बिल्कुल भी मिस मत किया करें, क्योंकि देखो क्या होता है कि हम लोग पर डे के करंट अफेयर हरियाणा के हर रोज पढ़ते हैं, और उनमें से हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन निकालने होते हैं। मंथली टॉप 100 क्वेश्चन निकालने होते हैं, के अलावा एक तो डेली पढ़ लेते हैं तो हमें रिवाइज करना जरूरी पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन करना होता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी वाला, स्टार आईक्यू का सबसे फेवरेट वाला वीडियो इसको कह सकता हूं मैं, स्टार आईक्यू के स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट वीडियो। तो आइए जल्दी से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। ठीक है ना, माहौल गर्म है, एसी चला लेते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को यह सेशन जरा सा भी पसंद आता है, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बुलंदियों तक लेके जाना है। यार चैनल के सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो थोड़े अटके से लग रहे हैं मुझे, ये 63,000 पे अटके से लग रहे हैं। बहुत दिनों से 63 नंबर दिख रहा है, तो इसको थोड़ा बढ़ा के 74, 84, 94 जैसा नंबर करने की कोशिश करो ना यार, इतना तो करो ना। मैं रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ, तुम इतना तो अपडेट कर दो ना रेगुलरली कि अपने दोस्तों तक शेयर करो, जहाँ जाओ, जहाँ तुम्हें कोई नया आदमी मिले अपना समझ के कहे यार एक बार स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब कर लेना, ये अपनापन दिखाने की कोशिश करो। बाकी मैं संभाल रहा हूँ इधर बैकएंड पे, तो ठीक है। चलिए राधे राधे सभी को, वेरी गुड इवनिंग। साथ के साथ आंसर जरूर देना आप लोग, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। यूं समझिएगा हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी स्पीड में पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं 2x की स्पीड में पढ़ने वाले हैं। जैसे आप लोग नॉर्मली पढ़ा करते हो तो लाइव आपको क्लास महसूस नहीं होगी, जैसे 2x वाली महसूस होगी स्पीड, ठीक है ना। तो बिल्कुल बीच में मत कहना कि सर थोड़ा धीरे कर दो, मतलब पहले हम लोग पढ़ रखे हैं इनको, रिविजन में लेके आ रहा हूँ आज। तो ये तो 100 क्वेश्चन है, फटाक से कर देते हैं एक घंटे के अंदर अंदर, 10:30 बजे तक हम लोगों को ये सेशन पूरा कर देना है, ठीक है। आइए बिना किसी बातें किए भी करते हैं। हाँ, मेरा कंप्यूटर का कोर्स लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे IQ5 नाम का बैच चल रहा है, आप ले लीजिएगा, बहुत औसम सा है, 1% भी रिग्रेट फील नहीं होगा, बहुत ही कम रीजनेबल प्राइस में। अब तो डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, केवल 300 रुपये का बैच मिल जाएगा आपको, ये 300 रुपये आपके वेस्ट नहीं होंगे, वादा करता हूँ। पूरा कंप्यूटर गजब का, बैंक के एग्ज़ाम है, SSC एग्ज़ाम है, या हरियाणा के कोई भी पेपर देना चाहते हो, सब में इक्वली इंपॉर्टेंट होगा ये कंप्यूटर। आइए पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा की कौन सी बेटी यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। तो ये पहली भारतीय महिला बनी है माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराने वाली, इस बच्ची का नाम है रीना भट्टी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, रीना भट्टी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा ही। ठीक है, सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, पश्चिम की ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर, यानी कि 18,510 फीट है। यहाँ का टेम्परेचर -25 से -30 डिग्री सेल्सियस है, और हवा की गति 45 से 50 किलोमीटर तक पर आर की रहती है, और फिर भी इस के चलते हुए इन्होंने जो है ना ये माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है ना, सॉरी माउंट एवरेस्ट क्या, माउंट एल्ब्रस की चोटी जो है ना फतेह की है। नेक्स्ट है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कब लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के हरियाणा पशु विज्ञान बहल का शिलान्यास करने वाले हैं। तो इसका जो इनोग्रेशन करने वाले हैं या नींव का पत्थर इसका रखने वाले हैं, 21 अगस्त को इन्होंने रखा था, और 21 अगस्त के दिन, क्योंकि 21 अगस्त तो जा चुका है, ये वाला रिसर्च सेंटर स्पेशली रिसर्च करने वाला है किसके ऊपर, फलों पे, सब्जियों पे, औषधीय और सुगंधित पौधे, मसाले आदि किस्मों का, क्योंकि नई नई किस्में हैं, इन पे तो विचार किया ही जाता है, वक्त के साथ साथ बदलाव तो होता ही है। तो इसके लिए एक लुआस का एक रीजनल सेंटर है ना, वो खोला जा रहा है बहल के अंदर। अच्छा, लुआस के बारे में आपको ये तो पता ही है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 2010 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और विनोद कुमार जो है ना वो यहाँ के VC है, याद करना आप लोग, ठीक है ना, विनोद कुमार जो है ना वो यहाँ के VC है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा में कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा
2600 बेड लिखूंगा, चेंज हो गई है। 2600 बेड का अमृता अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है, तो इन्होंने किया है 24 अगस्त के दिन इसका उद्घाटन किया है। पूरी डिटेल आपको बताता हूं, इसके अंदर टोटल जो है ना वो कितने 2600 तो बेड लगे हुए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 534 जो है ना क्रिटिकल केयर यूनिट लगी हुई है, ठीक है, क्रिटिकल केयर यूनिट लगी हुई है, मतलब आईसीयू वाले बेड लगे हुए हैं। याद रखना, आईसीयू बेड का मतलब ये नहीं होता कि नॉर्मल आईसीयू में मंजा लगा दिया तो आईसीयू का बेड हो गया। ईसीजी मशीन होती है सर, नहीं ईसीजी मशीन से भी नहीं है, पर बेड वेंटिलेटर होता है, और वेंटिलेटर की कमी ना केवल आपके देश में है बल्कि पूरी दुनिया में ही है, क्योंकि उसकी कीमत की वजह से बहुत अच्छी कीमत का आता है ये, 50 लाख से ऊपर ऊपर की इसकी रेंज होती है, बढ़िया लेवल की है। तो हालांकि कोविड के दौरान ये थोड़े सस्ते जुगाड़ू बने थे, इंडियन रेलवे ने दुनिया का सबसे सस्ता वेंटिलेटर बनाया था, केवल 10,000 रुपये का, जीवक उसका नाम था। लेकिन मतलब इस पर रिस्क नहीं लिया जा सकता, कहीं ऐसा देखने को मिलेगी कल को वेंटिलेटर बंद होने से आदमी मर गया हो, ठीक है, वैसे मरे ना मरे वेंटिलेटर से कहीं ना मर जाए, आर्टिफिशियल लंग्स जिसको बोलते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं वेंटिलेटर को। तो ये एक साथ 534 क्रिटिकल केयर यूनिट बेड जो है ना यहाँ इस हॉस्पिटल में लग रहे हैं। इसके अलावा इसमें 64 ऑपरेशन थिएटर जो है ना लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें और क्या है, इसमें जो है ना 800 डॉक्टर्स की टीम है, 800 डॉक्टर की जो है ना इसी के अंदर टीम भी है। इसके अलावा इसी में जो है ना 2500 जो है ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ठीक है ना, क्या है पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ का मतलब क्या है यहाँ पे, ये आपके नर्सिस वगैरह समझ लीजिएगा। 81 टाइप की मेडिकल फैसिलिटी इसके अंदर दी जाएगी। 24 अगस्त को जो है ना इसका ओपनिंग कर दिया पीएम साहब ने, और टोटल जो है ना 6,000 करोड़ रुपये जो है ना इस पे इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। और 133 एकड़ के अंदर, ठीक है ना, पहले 2400 थे, 2600 बेड है। ये पीडीएफ फाइल जब आपको मिले तो थोड़ा सा ठीक कर लेना, 2600 बेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो कि हरियाणा के किस जिले के रहने वाले शुभम कुमार ने हिमालय में 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाके तिरंगा फहराया है। शुभम हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं, इन्होंने इस ऊंचाई पे यानी कि 6,110 मीटर की ऊंचाई पे यूनम चोटी है इसके ऊपर जो है ना तिरंगा फहराया है। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को 81.5 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, ये तो चलो ठीक है। महाराजा अग्रसेन से मुझे एक याद नाम आ रहा है, वो याद आ रहा है कि हिसार का जो एयरपोर्ट है, ठीक है ना, हिसार का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हिसार एयरपोर्ट का नाम जो है ना महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के नाम पर जो है ना वो सॉरी महाराजा अग्रसेन के नाम पर चेंज कर दिया गया है। हरियाणा राज्य MSP पर मूंगफली की खरीद करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम स्पॉट प्राइस, और इसके ऊपर भारत का पहला राज्य है जो MSP पर मूंगफली की खरीद कर रहा है ये, बाकी कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जो MSP पे मूंगफली की खरीद करता है। पिछले सेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका 649 मैट्रिक टन जो है ना मूंगफली इसके द्वारा खरीदी गई थी। तो MSP पर मूंगफली की खरीद करने वाला भारत का पहला राज्य है जिसका नाम है हरियाणा, एक बात हुई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये याद रखनी है कि मूंगफली भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है, तो मूंगफली भारत में सबसे ज्यादा होती है गुजरात राज्य के अंदर होती है, इस बात को भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार द्वारा कितने परसेंटेज अनुदान पर 6,775 कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोले गए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर जो है ना खोले गए हैं 6,775 जो आपका कस्टम हायरिंग सेंटर, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है ना चेंज किए जा सकते हैं, और वो 80% अनुदान पर किसानों के ही हैं। जैसे एग्जाम्पल्स उसमें रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, हैरो है, किसानों के पराली वगैरह के जो है ना उसको सेटअप करने के उपकरण हैं, कहिएगा अपने आप में। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे रखा गया है। चंडीगढ़ का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उनका नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह। आगे क्वेश्चन और आएगा बताऊंगा, शहीद भगत सिंह तो रखा ही गया है, पूरा नाम शहीद भगत सिंह MCP रखा गया है इसका नाम, और MCP का मतलब है मोहाली चंडीगढ़ और पंचकूला, ये तीनों याद कर लेना, मोहाली चंडीगढ़ और पंचकूला। नेक्स्ट है कि बुल्गारिया में जारी अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की कौन सी पहलवान गोल्ड मेडल जीतकर भारत की महिला पहलवान बनी। तो बुल्गारिया के अंदर जो है ना ये अंतिम पंघाल, याद रखना अंतिम, ये एक तो अमित पंघाल है अपने हरियाणा से, एक अंतिम पंघाल है, ये सबसे युवा पहलवान 53 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन को 8-0 से हराया इन्होंने।
और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भूमिगत पाइपलाइन स्कीम, आपने देखा होगा आजकल रोड के किनारे जो है ना एक पाइपलाइन स्कीम जो है ना अंडरग्राउंड पाइपलाइन स्कीम सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम के तहत क्या है, गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन अब आपकी मान लेते हैं कि कोई फसल खड़ी है और उस फसल खड़ी के चलते हुए पाइपलाइन बिछाई जाए तो आपकी फसल को तो नुकसान होगा। इसलिए हरियाणा सरकार क्या कर रही है कि आपको प्रति एकड़ अनुदान दे रही है, 10,000 मिनिमम है और मैक्सिमम कितना है, 60,000 रुपये तक का है। तो 10,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का जो है ना इसमें अनुदान दिया जा रहा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक किसान को कितने रुपए की वार्षिक सहायता दी जाती है। तो हरियाणा के जो प्रत्येक किसान हैं उनको जो है ना वार्षिक सहायता दी जाती है कितने रुपए की, टोटल 6,000 रुपए की। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इसमें टोटल जो है ना तीन किस्तें होती हैं, 2,000 रुपए की तीन किस्तों में जो है ना ये पैसा दिया जाता है। तो वार्षिक जो किसानों को पैसा दिया जाता है वो कितना, 6,000 रुपये। ये प्रधानमंत्री की योजना आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में वैसे भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो है ना आपके वैसे भी पेपरों में बहुत बार आ भी चुके हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से जो है ना वो याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत टोटल कितने रुपये दिए जाते हैं, टोटल 6,000 रुपये जो है ना इसके तहत दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा नामक किताब का विमोचन किया है। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर ये हरियाणा की जो खेती बाड़ी है ना उससे संबंधित एक बुक है और इसका जो विमोचन किया वो रिसेंटली हरियाणा के CM साहब ने किया है। और एक बात याद रखना, इस किताब को लिखा किसने है, आचार्य श्री बालकृष्ण जी जो है ना उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 18 अगस्त के दिन किया है इसका विमोचन और कहाँ पर किया है, ये संत कबीर कुटीर के अंदर किया है, याद रखिएगा आप लोग। और ये संत कबीर कुटीर कहाँ पर है सर, ये संत कबीर कुटीर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का जो घर है ना उसी को आप संत कबीर कुटीर के नाम से जानते हो। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने राज्यों के क्षेत्र में हथिनी कुंड में डैम बनाने का निर्णय किया है। तो हथिनी कुंड में डैम बनाने का निर्णय किया है 4 राज्यों में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने 18 अगस्त के दिन ही हथिनी कुंड में जो है ना प्राथमिक रिपोर्ट की मंजूरी दी है और यहाँ पे डैम बनाया जाएगा। इन डैम बनाने की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा ये एरिया है यहाँ का, ये लगभग 11,170 स्क्वायर किलोमीटर का इनका कैचमेंट एरिया हो जाएगा डैम का। 4 राज्य कौन से हैं सर जी, एक तो हिमाचल प्रदेश है, दूसरा हरियाणा है और तीसरा उत्तराखंड और चौथा जो है ना वो यूपी है। ये 4 राज्य है, हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तराखंड और यूपी है। हथिनी कुंड की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 763 MU होगी, ये भी याद कर लेना आप लोग, मेगा यूनिट की इतनी बिजली। मतलब डैम जहाँ बनेगा तो आपको सबको पता है कि ऊपर से टरबाइन घुमाई जाएगी, टरबाइन घुमा के जो है ना वो यहां से बिजली भी बनाई जाएगी, जैसे भाखड़ा नांगल डैम के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, एक बार यार सेशन को प्लीज शेयर तो कर दो ना, इतना तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इतनी अच्छे से मेहनत से सेशन को करवाया जा रहा है, प्लीज एक बार इस सेशन को शेयर तो कर दो ना और लाइक भी कर दो, सभी के सभी अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा तो दो ना, स्टेटस लगा लो, शेयर कर दो, हां इतना तो काम कर ही सकते हो आप लोग बीच में। हां चलिए, स्पीड ठीक होगी होपफुली, एक बार आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि स्पीड बिल्कुल ठीक होगी शायद, है ना। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा, क्या है कि हरियाणा में खेल नीति के तहत कितने हाल ही में गुरुग्राम में करोड़ की इनामी राशि। अब आप लोगों को पता है कि हम कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे, राम राम, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कॉमनवेल्थ में जिन भी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन अच्छा किया था उन सभी खिलाड़ियों को इनामी राशि दी गई। अब इनामी राशि दी तो गई पर कितना रुपये दिया गया, टोटल पैसा दिया गया 25.80, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। खेल मंत्री ने वैसे भी इस बार के बजट में इजाफा किया ही था, 526 करोड़ रुपए का बजट इस बार दे रखा है, जो पिछले बजट से यूं कहेगा अपने आप में डबल ही है, ठीक है। और ये पैसा 25.80 करोड़ जो है ना वो दिया गया है किनको, खिलाड़ियों को। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी अपने आप में जो है ना इंपॉर्टेंट है, कुछ आंसर गलत लिख रहे हैं, 20 पॉइंट समथिंग लिख रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर है 25 करोड़ 80 लाख रुपए, ठीक है ना। आंसर नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। और पर खिलाड़ी को आप लोगों को सबको पता है कि जिन्होंने गोल्ड जीता है उनको तो मिला है 1.5 करोड़ मिला है, जिन्होंने सिल्वर जीता है उनको मिला है 75 लाख रुपए मिला है, ठीक है ना। और जिनके ने कांस्य जीता है उनको 50 लाख मिला है, ठीक है।
ये वो खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों के नाम जो है ना आप लोग अच्छे से याद कर लेना जिनके गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन है टोटल मेडल कितने आए। टोटल मेडल हमारे पास में 20 आए थे, याद रखना। एक तो नीतू घणगस है, याद रखना, जिनकी बॉक्सिंग में अमित पंघाल बॉक्सिंग, बजरंग पूनिया रेस्लिंग, साक्षी मलिक रेस्लिंग, दीपक पूनिया रेस्लिंग, विनेश फोगाट रेस्लिंग, रवि दहिया रेस्लिंग, नवीन रेस्लिंग में है, और सुधीर जो है ना पावर लिफ्टिंग में। सिल्वर मेडल आए थे अंशु के पास में, सागर के पास में, शेफाली के पास में, और सुरेंद्र कुमार और अभिषेक, ये दोनों ने कहा टीम इवेंट है, ये भी टीम इवेंट है। ब्रॉन्ज हमारे पास में आए संदीप जो एथलीट है, पूजा सिहाग जो रेसलिंग में, जैस्मिन बॉक्सिंग में है, दीपक नेहरा रेसलिंग में, मोहित ग्रेवाल ये भी रेसलिंग में है, पूजा गहलोत ये रेसलिंग में, सविता नवनीत नवजोत निशा ज्योति मोनिका नेहा शर्मिला और उदिता ये हॉकी टीम की है सारी। तो हमारे पास में वैसे मेडल तो आए हैं 20, 17 जो है ना हमारे वो व्यक्तिगत रूप से आए हैं, और 3 जो है ना वो टीम इवेंट, एक हॉकी फीमेल, एक हॉकी मेल और एक क्रिकेट के अंदर। टोटल खिलाड़ी हरियाणा से कितने गए थे, 42 गए थे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हरियाणा में दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए पशुपालकों को कितना परसेंटेज जो है ना हरियाणा गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, तो हरियाणा दे रही है 25% का अनुदान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। 4 से 10 पशुओं की डेयरी की इकाई पर 25% का हरियाणा अनुदान दे रही है, और 20 से 50 दुधारू पशुओं की डेयरी पर बैंक ऋण पर ब्याज का अनुदान दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा के सोनीपत में 900 एकड़ में फैक्ट्री, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने 28 अगस्त को कर ही दिया है, सबको अच्छे से पता है। 2025 से जो है ना इसके अंदर उत्पादन भी स्टार्ट हो जाएगा, ये हरियाणा का तीसरा प्लांट लग रहा है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा गुरुग्राम और मानेसर में था ही, खरखोदा के अंदर लगा है ये सोनीपत के, और इसमें 2.5 लाख कार हर साल बनेगी। गुरुग्राम और मानेसर दोनों को मिला के लगभग 15.5 लाख कारें वहाँ पर बनती है, और यहाँ से डायरेक्ट 13,000 लोगों को लगभग रोजगार मिल जाएगा। 18,000 करोड़ में ये प्लांट बनकर तैयार होने वाला है, तो ये चीज याद रखना। इसको जमीन पे हस्ताक्षर हुए थे HSIIDC यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंचकुला के थ्रू, ये हमारी जमीन का अधिग्रहण किया था इनके थ्रू ही, और प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली इनका उद्घाटन किया है। गुजरात थे और 800 एकड़ में आपको सबको पता है कि यहां पे कारें बनने वाली है, 100 एकड़ के अंदर जो है ना यहां पे बनने वाली है सुजुकी के मोटरसाइकिल। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार कब तक हरियाणा में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा है, तो 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा है, दिसंबर 2022 तक रखा है, ये याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। अब स्वच्छ पेयजल के लिए एक योजना है जिसका नाम है जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल, इस योजना को स्टार्ट कब किया गया था, इस योजना को 15 अगस्त 2019 के दिन स्टार्ट किया गया था, और अगर मैं बात करूं 10 जून 2022 तक पूरे भारत में लगभग जो है ना 9.65 करोड़ घर, यानी कि लगभग 50% 50.38% के आसपास जो है ना पानी के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, और अब तक गोवा तेलंगाना हरियाणा इन्होंने अब तक 100% नल कनेक्टिविटी दे दी है, थोड़ी बहुत रही है तो वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे जो है ना वो पुद्दुचेरी आता है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली भी आता है, ठीक है। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 6 नंबर विषय आता है ये वाला कि हर घर को साफ पानी देना। किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में सरसों की 2 उन्नत किस्में विकसित की है, तो रिसेंटली HAU ने 2 उन्नत किस्में विकसित की है, एक का नाम है RH1424, एक का नाम है RH1706। ये किस्में यूनिक क्यों है, क्योंकि ये किस्में लगभग जो है ना 138 से 40 दिनों के अंदर जो है ना कंप्लीट तैयार हो जाएगी, इनके अंदर जो है ना मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता भी इनकी ज़्यादा होगी, के अलावा इनके अंदर तेल जो है ना वो भी लगभग 38% के आसपास होगा। एक जब कभी आप लोगों ने देखा होगा सरसों का तेल निकालते हैं तो उसमें आंखों में थोड़ी सी जलन सी होती है, तो वो उसको बोलते हैं इरुसिक एसिड, तो वो इरुसिक एसिड जो है ना इनके अंदर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, जो हमारी हेल्थ के लिए एक्चुअली अच्छा नहीं होता है देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सवाल कि हरियाणा के किस रोडवेज चालक ने दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने में सफलता हासिल की है, तो ये हासिल की है कुलदीप कुमार ने, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पटौदी हैली मंडी नगर परिषद के नाम से किस शब्द को हटा के पटौदी मंडी नगर परिषद कर दिया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गड़बड़ होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसका सही आंसर रहेगा हैली वर्ड को हटाया है और पटौदी मंडी नगर जो है ना नया हरियाणा का बन गया है नगर परिषद। थोड़ा सा डेटा आप लोग मुझसे पढ़ लीजिएगा कि हरियाणा के अंदर अगला क्वेश्चन एक आएगा, हरियाणा में 23 नगर परिषद हो गए हैं, इतना याद कर लेना बस आप, ठीक है। हरियाणा राज्य का पहला बेबी फीडिंग सेंटर जो है ना बनाया गया कहाँ पे, जींद जिले के अंदर बनाया गया है, जहाँ पे बस स्टैंड पे जो है ना बच्चे को दूध पिलाने की सुविधा व्यवस्था की गई है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जींद जिले के अंदर।
स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर प्रधानमंत्री जी ने कितने पर्ण लिए हैं, आने वाले टाइम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 5 पर्ण लिए हैं। पहला तो विकसित भारत का है, डेवलप्ड इंडिया का लक्ष्य रखा है, 2047 तक जो है ना भारत को विकसित करने का सीधा लक्ष्य है। अपनी गुलामी जो है ना, गुलामी को हर अंश से मुक्ति देने का लक्ष्य रखा है। अपनी विरासत पर गर्व करें लोगों को ये कहा है। एकता और एकजुटता का परिचय दें। नागरिकों का जो भी कर्तव्य ड्यूटी होती है, फंडामेंटल ड्यूटी, उन पर भी फोकस किया जाए। सीएम ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ पे ध्वजारोहण किया, मतलब झंडा कहाँ फहराया है, हमारे भारत के हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, इन्होंने स्मालखा नाम की जगह पर, ये पड़ती है पानीपत के अंदर, यहाँ पे जो है ना इस बार तिरंगा झंडा फहराया है। किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है श्रीकांत जाधव को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। श्रीकांत जाधव अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है, इनको हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को विशिष्ट सेवा देने के लिए, मतलब नशा तस्करों को थोड़ा रोकने के लिए वहाँ पर विशिष्ट सेवा देने के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए इनको चुना गया। वैसे 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर 13 अधिकारी और जवानों को जो है ना विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिया गया है, ठीक है, ये सराहनीय पुलिस पदक बाकियों को है, आप इनको पढ़ सकते हो पीडीएफ फाइल में। हरियाणा के किस अधिकारी को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, तो पुलिस पदक से सम्मानित जो है ना किया गया प्रीतपाल सांगवान को, वो राष्ट्रपति पुलिस पदक था, ये है आपका पुलिस पदक, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सवाल आता है यहाँ पे कि हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, इसका स्वागत किया गया है स्टार्टिंग के अंदर जो है ना, और कहाँ पे शुरू कर दिया गया है इसका, KUK के अंदर, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैसे हमारे जो है ना भारत के अंदर साल 2030 तक लागू करनी है हर राज्यों के अंदर, लेकिन ये याद रखना इस नीति को जो है वो हरियाणा राज्य भारत में सबसे पहले लागू करने वाला है, साल 2025 तक जो है ना इसे कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि जो है ना वो तैयार की गई है, तो सबसे बड़ी मानव छवि जो है ना तैयार की गई है चंडीगढ़ में, राधे राधे सोनू राजपूत, ठीक है। इस सवाल का सही आंसर रहेगा क्या, चंडीगढ़ में। अच्छा, थोड़ा सा जो लेटेस्ट जुड़े हैं उनको कह देता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम करें यार आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा लेक्चर 2x की स्पीड पे चल रहा है, हूँ तो मैं लाइव ही, ठीक है ना, लेकिन मैं 2x की स्पीड पे इसको जानबूझ के, ताकि एक ही वीडियो में कम समय में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो, ताकि आपको रिवीजन थोड़ा अच्छा मिले। तो प्लीज़ इस चीज़ का नेगेटिव मत मानना, और अगर आपको चाहिए कि बहुत स्लो करवाऊँ तो मुझे बता देना, अदरवाइज स्पीड ठीक है तो भी एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा कि देश के पहले एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर हैज बिन बिल्ड, तो ये कहाँ पे बना है, कैथल में बना है या करनाल में है या कुरुक्षेत्र के अंदर है या पंचकूला में। तो इस सवाल का जो सही आंसर रहने वाला है आपका, वो जो ठीक आंसर क्या रहेगा आपका, उसका सही आंसर कुरुक्षेत्र रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, कुरुक्षेत्र इसका सही आंसर रहेगा, राधे राधे विक्रम, ठीक है ना, स्पीड सही है सर, स्पीड ओके, ठीक है, डन, चलते रहिए। नेक्स्ट आपका सवाल क्या रहेगा, अच्छा इस पे क्या खर्चा लग रहा है, 10.50 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में ये बनाया जाएगा। ये हरियाणा एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र है जो इंडो इसराइल की मदद से बनेगा। मधुमक्खी जो प्रशिक्षण बगीचे का जो है ना वो भी यहाँ पे ही निर्माण होगा आपका। हरियाणा सरकार ने किसे नया नगर परिषद, ये मैंने अभी बताया ना आपका, नया नगर परिषद कौन सा बन गया, पटौदी नगर हो गया है, ठीक है ना, याद रखना पटौदी नगर पालिका हो गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ का हैली मंडी नगर पालिका जो है ना इसको हटा के पटौदी मंडी नगर, सॉरी माफ़ करना, पटौदी मंडी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी ठीक रहेगा, है ना। हाँ, पटौदी नगर हो गया, तो अभी टोटल यहाँ की 50,000 से ज़्यादा संख्या हो गई है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये वाला आंकड़ा देखो एक तो आप लोग, नगर निगम 3 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है तो बनता है, 11 नगर निगम हरियाणा में, नगर परिषद 50,000 से 3 लाख के बीच में होते हैं, तो हरियाणा में 23 जो है ना नगर परिषद हो गए हैं, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद में नगर पालिका 50,000 के आसपास की पॉपुलेशन होती है, तो ये बिल्कुल बढ़िया वाला आंकड़ा आपको मैं देके जा रहा हूँ, क्या कि नगर निगम तो 11 है, ठीक है, नगर परिषद है टोटल अभी के लिए 23 हो गए, पहले 22 होते थे, अब 23 है लेटेस्ट, यहाँ गड़बड़ बहुत होती है, ठीक है। नगर पालिका 59 है, ये भी याद कर लेना, रिसेंटली इस्लामाबाद हुआ, सिसाय हुआ, कुंडली हुआ, रादौर हुआ, जाखल मंडी हुआ, सदोरा हुआ, मंडी आदमपुर, बाड्डा और सीवन, ये ऐड हुई है, ठीक है।
नया जिला चरखी दादरी है, सब पता है आप लोगों को। हरियाणा के मंडल की संख्या 6 है, 2 नए बने थे करनाल और फरीदाबाद, 10 नए उपमंडल बने थे छावनी, बाड्डा, बड़खल, नारनौद, बादली, उचाना, घरौंडा, रादौर, पुनहाना और कालांवाली। 10 नई तहसील भी आई थी, अंबाला, छावनी, बड़खल भी आई थी, कौन सी, खिजराबाद, पालवास, खेड़ी और चोपटा। 14 नए ब्लॉक भी आए हैं, बादली, उजाना, मुन्नक, पीपली, कुंजपुरा और पिनगवां, बाडौली, पलवल, डडीना और डहीना सॉरी और खिजराबाद, नागपुर, तिंगाव और ढांड। जिले 22, मंडल 6, उपमंडल 74, तहसील 94, उप तहसील 49। ध्यान रखना ये डेटा, बहुत जगह पे लोगों गलत मतलब क्लासों में भी कई बार बच्चों ने कहा सर कि ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, तो ये सही है, अब तक के लिए तो अपडेटेड है ये डेटा। सीखना, ब्लॉक 142, कस्बे 154, ग्राम पंचायत 6212, ग्राम गांव वर्तमान में 7356, पंचायत समिति 119, जिला परिषद जो आपके 21, नगर पालिका परिषद 22 थे पर अब 23 हो गए, लोकसभा सदस्य 10, विधानसभा 90+1 और राज्यसभा 5 है ही। विश्व का पहला पंजाबी धाम हरियाणा के किस जिले में बनेगा, तो विश्व का पहला पंजाबी धाम जो है ना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बनेगा। ये एक्चुअली विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त के दिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान बना था, तो इस करके जो विभाजन हुआ था उस टाइम पे बहुत लोगों की जान भी गई थी, तो उसी के रूप में ये 14 अगस्त के दिन जो है ना एक दिवस भी सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा में वर्तमान लिंगानुपात कितना, ये देखो हर महीने चेंज हो जाता है। अभी मतलब ये अगर मैं ये जो क्वेश्चन है ना ये लिया हुआ है जुलाई महीने का डेटा, तो 920 था, लेकिन अब फिर थोड़ा कम हुआ है, 916 है अगस्त महीने का डेटा अगर दिया जाए तो। मैं आपको अगर जुलाई महीने तक की बात कहूं तो 920 है, लेकिन अगस्त महीने तक 916 है। अब सर तीन चार लड़कियां कहां गई, वो तीन चार लड़कियां हो सकता है मामा के चली गई होंगी, ठीक है ना, तो इसलिए कम हो गया होगा। बायोगैस प्लांट स्कीम के तहत अन्नदाताओं को हरियाणा में कितना अनुदान दिया जा रहा है, अन्नदाताओं को हरियाणा में 7500 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के कितने गांव महारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर महारा गांव जगमग गांव जो है ना योजना जो है ना अभी शामिल हुए हैं टोटल 49, और ये हो कितने गए बता देता हूँ, 5677 हो गए हैं, याद कर लेना 5677 हो गए हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। अभी तो 910 नहीं है, 916 है अभी अगस्त महीने का, स्वास्थ्य विभाग की साइट पे तो 916 लिखा है, बाकी देखो। नेक्स्ट है आपका कि हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से अलंकृत किया गया, गृह मंत्री पदक से 4 को, ये 4 हैं, इनका नाम क्या है, एक है इंस्पेक्टर बसंत कुमार, एक है सब इंस्पेक्टर सुमन देवी, एक है सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार, एक है हेड कांस्टेबल गोपाल चंद, इन चारों को सम्मानित किया गया है। हरियाणा में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, अभी बताया था मैंने, टोटल इनको 25.80 लाख दिए ही थे। पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी को हटा दिया गया, कौन सी क्लास के अंदर, पांचवीं क्लास के अंदर हटा दिया गया, ठीक है ना, पांचवीं क्लास के अंदर एक देखो चैप्टर है हिंदी की किताब में 11वां, इसमें महाराजा अग्रसेन की जीवनी है, और 18वां चैप्टर है जिसका नाम है हरियाणा गौरव, जिसमें सर छोटू राम, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल, पूर्व सीएम चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी रणबीर सिंह, इनकी जीवनी को पढ़ाया जा रहा था, और 2020 में नया जो सिलेबस आया ना उनमें से इनको फटाफट चुपचाप हटाई दिया। किस व्यक्ति का देश के सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों में सिलेक्शन हुआ है, लघु कथाकारों में सिलेक्शन हुआ है सत्यवान सौरभ का, इनकी जैसे दमकते लम्हे करके बहुत सारी किताबें हैं इनकी इसी के लिए, तो ये याद रखना दमक इनका सिलेक्शन हुआ है, नाम आपको याद रखना है सत्यवान सौरभ, ठीक है। हरियाणा में किस वर्ष तक कुल बिजली सप्लाई में 10% जो है ना सौर ऊर्जा की सप्लाई का लक्ष्य रखा है, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये कौन से साल तक रखा है, साल 2023-24 तक। हरियाणा के अंदर ये सौर ऊर्जा वाला डिपार्टमेंट है, इसको हरेडा कहते हैं और इसके चेयरमैन का नाम है स्वतंत्र कुमार। नेक्स्ट है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में महर्षि वाल्मीकि पर देश की पहली शोध पीठ बनेगी, महर्षि वाल्मीकि पर पहली जो है ना शोध पीठ बनेगी, यानी कि फर्स्ट रिसर्च चेयर बनने वाली है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पड़ती है, कैथल के अंदर पड़ती है, शायद आप लोगों को याद होगा जटहेड़ी एक गांव है यहाँ पे, एक इसके अंदर ही जो है ना पड़ी है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। सर मैं आपकी हर वीडियो ऑफलाइन देखती हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, सिलेक्शन के बाद मिलने जरूर आऊंगी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा रानी। नेक्स्ट आपका सवाल पढ़ें उससे पहले याद रखना महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी 15 मार्च 2018 को जो बनी थी, याद रखना, और वीसी का नाम है प्रोफेसर आरसी भारद्वाज, ठीक है ना।
चंद्रावल फिल्म में रुंडा का रोल निभाने वाले किस हीरो का हाल ही में 65 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इनका नाम है नसीब सिंह कुंडू। इनका 65 साल की उम्र में जो है ना निधन हो गया लीवर में सूजन के कारण, और ये रोहतक के टिटोली गांव के रहने वाले थे। इनके अलावा इन्होंने बहुत सारी और भी मूवियाँ की थी, जैसे चंद्रावल है, लाडो बसंती है, जर जोरू है, जमीन है, कई सारी इन्होंने और भी मूवियाँ की थी। इसके अलावा चंद्रावल फिल्म में खुंडा का कैरेक्टर निभाने वाले थे अभिनेता दरियाव सिंह। इनका तो पहले ही निधन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में दूसरी पीढ़ी का यानी कि सेकंड जनरेशन का एथेनॉल प्लांट जो है ना ये कहाँ पे ओपन किया है? पानीपत के अंदर ओपन किया है। ये तो याद कर लेना, पराली से बिजली बनेगी यहाँ पे, ये मतलब पराली से एथेनॉल बनेगा, सॉरी पराली से एथेनॉल बनाने वाला। कोई मुझे कमेंट में ये बताएगा कि भारत का पहला अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट कहाँ पे है, भारत का पहला अनाज आधारित ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट भारत में पहला कहाँ पे है, ये बताना आप लोग, ठीक है। ये एथेनॉल यानी कि फ्यूल पॉलिसी जो है ना साल 2018 में आई थी, उस टाइम पे 5% एथेनॉल मिलाया जाता था, जैसे साल 2014 में 1.5% मिलता था, लेकिन अब ये टोटल 10% हो गया और आने वाले 2025-26 तक जो है ना इसको लगभग 20% कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो याद कर लेना आप लोग, मतलब 2014 में 38 करोड़ लीटर मिलता था, अब 300 करोड़ लीटर जो है ना एथेनॉल मिलता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। प्रीति ने लिखा है बिहार, और परम ने भी लिखा है बिहार। बिहार का डिस्ट्रिक्ट बता दोगे तो और अच्छा लगेगा, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में लगा है, ठीक है ना। बिहार नीतीश कुमार ने जो है ना वो याद कर लेना ओपनिंग किया, ये वाला एथेनॉल प्लांट 10 अगस्त के दिन जो है ना ओपन किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता दिवस के, ये तो मैंने बता ही दिया, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर समालखा में किया ही था। हरियाणा के खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ गेम में कुल कितने पदक मिले? तो टोटल 20 पदक मिले, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, 17 मिले हैं व्यक्तिगत रूप से और 3 मिले हैं टीम इवेंट में, ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को। 60 साल की अधिक उम्र के पत्रकारों को हरियाणा कितने हजार रुपए मासिक पेंशन दे रहा है? तो हरियाणा 60 साल से ऊपर के जितने भी पत्रकार हैं उनको 10,000 रुपए मासिक पेंशन दे रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल पर जरूरी सवाल है। अच्छा, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट या कुछ मेडलिस्ट हैं उनको फटाफट एक लाइन में रिवाइज करवाता हूँ। संदीप कुमार है, ये महेंद्रगढ़ से एथलीट है, इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, सुरहेती गांव के रहने वाले हैं ये। मुक्केबाज अमित पंघाल को मिला गोल्ड मेडल, कौन से वेट कैटेगरी में? 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। इनके क्वेश्चन वेट कैटेगरी के पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ कर दो, रिक्वेस्ट इतना सा है आपका कि ये सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रखे हैं, आजकल चल ही नहीं रहे हैं, एक बार जल्दी से आगे इनको चला दो, इतना तो काम आप लोग कर ही सकते हो। हाँ, अगला जो सवाल है आपका, ये तो हरियाणा के रोहतक के हैं, नीतू गणगस जो कि भिवानी के हैं, इन्होंने जो मेडल जीता है वो गोल्ड और 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद में है जैस्मिन, जैस्मिन जो है ना इन्होंने जीता, कांस्य पदक जीता, और जैस्मिन भिवानी की है, 60 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनके वेट कैटेगरी बता रहा हूं मैं स्पेशली, ये याद करना आप लोग, ठीक है। दीपक नेहरा, दीपक नेहरा को मिला कांस्य पदक, ये 97 किलोग्राम वेट कैटेगरी में है, याद करना, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो है ना इन्होंने जीता है। पूजा सिहाग, पूजा सिहाग ने कांस्य पदक जीता, रोहतक के गड़ी बोहर की है पूजा, यहाँ की बहू है, मतलब 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। इसके बाद में नहीं सॉरी ब्रॉन्ज जीता, गोल्ड नहीं ब्रॉन्ज, हाँ। 19 वर्षीय युवा पहलवान नवीन, नवीन ने कौन सा जीता? नवीन ने भी गोल्ड मेडल जीता है, और ये 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सोनीपत जिले के गांव पुगथला के रहने वाले हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में है विनेश फोगाट, इन्होंने भी गोल्ड जीत लिया है, और ये बलाली में तो जन्म हुआ था, और अभी सोनीपत की बहू है ये, सोनीपत के पहलवान सोमवीर राठी के साथ 2018 में शादी हो गई थी इनकी, और 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलती हैं ये। पूजा गहलोत, पूजा गहलोत के पास में आया है ब्रॉन्ज मेडल 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, सोनीपत के फरमाना की रहने वाली है पूजा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में है रवि दहिया, रवि दहिया ने ये कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हुए, वो बता रहा हूँ सारे आपको मैं, रवि दहिया ने गोल्ड जीता है 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, सोनीपत के नाहरी के हैं ये। इसके बाद में जो हमारे पास में है अंशु मलिक, अंशु मलिक ने सिल्वर जीता है, जींद के निडानी की है, 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। साक्षी ने गोल्ड जीता है, रोहतक के मोखरा की है, 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। कॉमनवेल्थ में दीपक पूनिया ने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, छारा झज्जर के रहने वाले हैं। सुधीर लाठ ने जो ना पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है, और इनका वेट कैटेगरी तो नीडी नहीं होता इतना, वैसे बताता हूं 87.30 किलो वजन है इनका, लेकिन 212 किलो वजन इन्होंने उठाया है, ये याद करना आप लोग सुधीर लाठ को, ठीक है। अच्छा, भिवानी के हैं मोहित ग्रेवाल, मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक जीता है, और 125 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना, फ्री स्टाइल रेसलिंग में।
किस क्षेत्र के विधायक ने इस्तीफा दे दिया? तो ये विधायक ने जो है ना इस्तीफा दे दिया, ये देने वाले आदमपुर के थे भाई, और नाम है कुलदीप बिश्नोई, साथ में रेणुकार, मिल गए बीजेपी में, दोबारा से उपचुनाव हो जाएंगे बीजेपी में। पुलिस को हेल्थ एटीएम दिया है अंबाला ने, अनिल विज ने दिया है हेल्थ एटीएम। सर ये क्या होता है हेल्थ एटीएम? देखो 35 साल से ऊपर के जितने भी पुलिस कर्मचारी है ना, उन सभी को जो है ना क्या करना है उन अच्छा सर स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन याद नहीं होते, बहुत मुश्किल होते हैं, मुश्किल तो होते हैं पर याद करने पड़ेंगे ना स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन। अब आएंगे भी ज़्यादा क्योंकि हरियाणा वाले स्पोर्ट्स में गेम खेल भी तो बहुत रहे हैं ना, ठीक है ना, और मेडल लेके भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ हाँ चलो, इन्होंने क्यों किया ये हेल्थ एटीएम? क्योंकि 35 साल से ऊपर के जितने भी खिलाड़ी हैं उनका हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी होता है, तो एक मशीन में टेस्ट डाला, तुरंत ही जो है ना सारे के सारे टेस्ट जो है ना आ जाएंगे, मतलब दिनों का वेट नहीं करना पड़ेगा और मल्टीपल टेस्ट एक ही मशीन से हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम है हेल्थ एटीएम। कितने सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सा की उपलब्धता को अनिवार्य कर परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रही है हरियाणा सरकार? तो 2000, मतलब आयुष डॉक्टर को यूं कहिएगा एक टाइप की परंपरागत चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर एलोपैथी को छोड़ के आयुर्वेदा या आयुष वाली टेक्निक के ऊपर आ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। कुलदीप बिश्नोई आजकल बहुत चर्चा में है, सोनाली फोगाट वाले अच्छा। किस योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं? बुनियाद योजना है, बचपन योजना है, चिराग योजना है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इस सवाल का सही सर हॉकी टीम में किसने एक मेडल जीता है? तो हाँ, तो वो हॉकी टीम में जैसे हमारे मेल में दो लड़के हैं, फीमेल में हमारी खिलाड़ियां गई थी, तो इन्होंने जीता था ना मेडल, तो वो एक ही मेडल कहलाएगा। जैसे मतलब किसी एक ने भी जीत लिया तो हरियाणा को या पूरी टीम को आता है ना, तो टीम इवेंट बोलते हैं उसको। हाँ इस सवाल का सही आंसर रहेगा चिराग योजना, ठीक है ना। 1,80,000 से जिनकी सालाना आय कम है ना उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है ना। 500 से 1100 रुपए तक की फीस होती है तो वो सरकार देगी, बच्चों को नहीं देना पड़ेगी फीस वो, ठीक है। पहले नियम 134A होता था, उसको तो हटा दिया, अब चिराग योजना आ गई हरियाणा में, इसके तहत नहीं, ठीक है ना। चिराग योजना सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिए। पीएम गति शक्ति के तहत हरियाणा सरकार की ओर से कितने करोड़ की स्वीकृति मिली है? तो टोटल 900 करोड़ की। पीएम गति शक्ति में 7 इंजन आते हैं आपके, और इसमें स्पेशली मतलब हरियाणा की सड़कों को ठीक किया जाएगा, बिजली विभाग को ठीक किया जाएगा, और बस टर्मिनल है, मतलब इन सभी पे जो है ना अपडेट दिया जाएगा, इसीलिए 900 करोड़ का जो है ना वो टोटल आपका पैसा मिला है। हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों को कितने परसेंटेज अनुदान देने की घोषणा की है? तो इस पर 50%, जैसे मान लेते हैं हैरो कल्टीवेटर वगैरह लेके आते हैं तो इनमें 50% का किसानों को अनुदान दिया जाएगा, और कोई अगर समिति लेती है, सहकारी समिति लेती है, तो उनको 80% का अनुदान दिया जाएगा। पर्टिकुलर किसान को जो है ना वो दिया जाएगा कितना आपका 50% दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय में किस जिले ने टॉप किया है? तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय ने टॉप किया है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ने, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरे नंबर पे इसमें फरीदाबाद है। गुरुग्राम में प्रति व्यक्ति आय 2.7 लाख रुपए है सालाना। अगला सवाल आपका है कि पानीपत पुलिस की हेड कांस्टेबल जिसने हाल ही में विश्व पुलिस खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करके देश का नाम ऊंचा कर दिया है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है संतोष शर्मा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा इसका हमारा, संतोष शर्मा ने नाम ऊंचा किया है, पानीपत पुलिस की हेड कांस्टेबल है, विश्व पुलिस खेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लिया है इन्होंने। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक नीदरलैंड के रोटरी ड्रम में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें 76 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने खेला था, ठीक है, और अब तक ये 51 मेडल जीत चुकी है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। 2012 से 16 तक महिला पुलिस कुश्ती चैंपियन भी रह चुकी है ये। लोकसभा की तर्ज पर राष्ट्रगान के साथ ही हरियाणा विधानसभा सेशन की शुरुआत होगी और वंदे मातरम गूंजेगा उसमें। ये मॉनसून सेशन हरियाणा में इस बार 8 से 10 अगस्त तक था, याद रखना, और इस बार डिजिटल वाला भी था आपका, ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ई विधानसभा था हमारा इस बार का। राष्ट्रगान आपको सबको ही पता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंदर अंगीकृत किया गया था ये, ठीक है ना। राष्ट्रगान का टाइम 20 सेकंड का है, लेकिन कई बार शॉर्ट में गाते हैं तो 20 ही सेकंड लगता है इसमें।
रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत की रचना दिसंबर 1911 में की थी, याद रखना आप लोग। सबसे पहले इसे 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1912 में तत्वबोधनी नामक मैगजीन के अंदर भारत भाग्य विधाता टाइटल के नाम से पहली बार प्रकाशित भी किया गया था। इसका इंग्लिश में 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जो है ना इसका ट्रांसलेशन भी किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू। और राष्ट्रगान में टोटल 13 लाइनें हैं। राष्ट्रगीत भी पता होगा, इस गीत की रचना 1874 में हुई थी और 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। इसका इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो अरविंदो घोष ने किया था, ठीक है। हाँ, 1911 में गाया गया था, ठीक है, सही है ना, 1911 में, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि हाई क्वेश्चन आता है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम में शुरुआत किससे होती है, तो ये राष्ट्रगान से होती है, याद रखना, सॉरी राष्ट्रगीत से होती है, राष्ट्रगान से नहीं, राष्ट्रगीत से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका हमारा। नेक्स्ट है कि हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है, प्रीति चोटन ने जीता है, रचना लाखलाण ने जीता है, प्रिया असीजा ने जीता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जो आंसर है वो क्या रहेगा, इसका सही आंसर है प्रिया असीजा, ठीक है ना, तो हाँ सी ऑप्शन था ना, हाँ ठीक है, प्रिया असीजा, मेरे को लगा ऑप्शन डाला मैंने, प्रिया असीजा इसका सही आंसर रहेगा आपका, ठीक है। और इनकी शॉर्ट मूवी है, याद रखना, सीता, ठीक है ना, सेविंग सीता इस करके इनकी मूवी है, इसके लिए इनको मिला है ये। मुख्यमंत्री श्री ने हरियाणा भवन नीति आयोग की प्रतिस्पर्धाओं की बैठक में कितने विषयों का गहन विचार विमर्श हुआ है, तो टोटल यहाँ पे 8 विषय हैं जिनका विचार विमर्श हुआ है, जैसे कि फसल विविधीकरण हुआ, पशुपालन हुआ, नई शिक्षा नीति हुई, सरकारी स्कूलों के अंदर CBSE बोर्ड लगा देना, ईज ऑफ लिविंग का सेशन लेके आना, रोजगार दिलाना, परिवार पहचान पत्र हुआ, नशे के खिलाफ ग्राम सभा को थोड़ा जागरूक करना, ये टोटल 8 मुद्दों के ऊपर जो है ना चर्चा हुई थी नीति आयोग की। नीति के बारे में सबको पता है, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। इसके नए CEO बने हैं परमेश्वरन नैयर, और इसके नए जो चेयरपर्सन बने हैं, वॉइस चेयरपर्सन बने हैं, उनका नाम क्या है कोई कमेंट में लिख के बताओ मुझे आप लोग, ठीक है ना। हाँ, 52 सेकंड टाइम तो 52 सेकंड का ही बताया तो था मैंने, गलत तो नहीं बता दिया कहीं हो गया होगा गलत, एक सेकंड देख लेते हैं, 52 सेकंड का ही होता डियर, 54 का क्यों, और शॉर्ट में 20 सेकंड का, सही तो लिखा है मैंने, हो सकता गलत बोल गया हो तो मैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, केंद्र सरकार ने अग्रवा धाम को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए टोटल 1200 करोड़, आपको पता है ना कि हिसार से सिरसा जाने के लिए जो ना अग्रवा फतेहाबाद साइड को रेलवे लाइन नहीं है, ये याद रखना, सुमन के बेरी राइट सही है। अगला है आपका, लाइक तो कर दो, 100 लाइक तो हो ही जाने चाहिए थे अब तक, 76 लाइक पे बैठे हो यार तुम, हाँ लाइक तो करो फटाफट सेशन को। हरियाणा का कौन सा स्थान अग्रणी की राजधानी है, अग्रोहा, ठीक है ये याद रख लेना आप लोग। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, तो यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर स्थापित किया गया है चौधरी देवी लाल, ठीक है ना, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो कि सिरसा के अंदर पड़ता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति मलिक को रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ज्योति मलिक को रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है, वो है हरियाणा चिकित्सक गौरव अवार्ड। ये हरियाणा चिकित्सक गौरव अवार्ड हरियाणा के अंदर टोटल 75 डॉक्टर को दिया गया है, हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि हरियाणा में रेसलिंग एसोसिएशन के महासचिव रिसेंटली कौन बने हैं, तो रेसलिंग जो एसोसिएशन है इसके महासचिव अभी रिसेंटली बने हैं राकेश कोच, ठीक है, राकेश कोच को रेसलिंग एसोसिएशन के सचिव बनाया गया है। भारत में श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है ना ये रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अभी के लिए। हरियाणा में पहली बार कितने बुजुर्गों को घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन जो है ना दी गई है, 7000, 12000 ने तो मना भी कर दिया था, 7000 परिवार पहचान पत्र के थ्रू जो है ना वो जोड़ा है आपका, ये भी याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सवाल है कि नीति आयोग के मुताबिक हरियाणा में कितने परसेंटेज बेरोजगारी दर है, तो नीति आयोग के दौरान हरियाणा में 8% की बेरोजगारी है, मतलब वैसे तो सबसे ज़्यादा है पर ये कहते हैं नीति आयोग ने बहुत कम है, CMI का डेटा झुठलाया है इन्होंने, ठीक है ना। नीति आयोग ने कहा CMI तो कहता है हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भाई हरियाणा बेरोजगारी में लगभग 26% के आसपास ओवरऑल सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहीं पर बता रखी है हरियाणा के अंदर ही।
हरियाणा के किस जिले में रीजनल रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी गई है? रीजनल रिसर्च सेंटर की आधारशिला भिवानी जिले के अंदर रखी गई है। एशिया की सबसे अमीर महिला कौन सी है? सबको पता होगा एशिया की सबसे अमीर महिला का नाम सावित्री जिंदल है, ठीक है ना। भारत की सावित्री जिंदल है, हरियाणा की हिसार की है, 18 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत की तो सबसे अमीर महिला है ही है। ये फोर्ब्स की 2021 में अमीर भारतीयों की लिस्ट में टॉप 10 में ये अकेली महिला ही है, सावित्री जिंदल। साल 2015 में ओपी जिंदल की जगह पे जो है ना ये आई थी, तब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था तो करके उनका देहांत हो गया, तो उनकी जगह पे आई। उत्तर भारत के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 81 टाइप की मेडिकल फैसिलिटी है, अभी हमने बात की थी यहाँ पे, ठीक है। 2600 बेड इसमें लगा दिए गए, 81 मेडिकल सुविधाएं यहाँ पे, ये ओपन हो चुका है। माँ अमृतानंद मई देवी अम्मा के आशीर्वाद से अमृत भी देश को मिल रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ठीक है। अगला है कि हरियाणा के किस शहर को स्कॉच ग्रुप इंडिया द्वारा स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट 2022 दिया गया है? तो ये अवार्ड जो दिया गया है नारनोल को दिया गया है, ठीक है ना, और नारनोल को रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से दिया गया है, दिव्यांगों की सहायता करने के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड को। ये बेसिकली जैसे किसी को प्रोस्थेटिक लेग दे दिया, किसी का हाथ नहीं है तो हाथ दे दिया, उस टाइप से ही जो है ना। चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के साथ 3 शहरों के नाम जोड़े गए, मैंने अभी बताया। MCP लिखा जाएगा, M का मतलब मोहाली, C का मतलब चंडीगढ़ और P का मतलब पंचकुला है यहाँ पे। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला हरियाणा राज्य पहला राज्य बना है। हरियाणा राज्य विद्युत वितरण उपभोक्ताओं में देश भर में कौन सा नंबर है? मतलब हरियाणा का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना वो दूसरे नंबर पे है, जैसे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। अच्छा, पहले नंबर पे गुजरात राज्य की आती है, याद रखिएगा, और हमारा लाइन लॉस 50% कम हो गया है, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा के किस जिले में आचार्य श्रील प्रभुपाद का 150वां जन्मोत्सव मनाया गया? देखो हरियाणा में ये तो कुरुक्षेत्र में मनाया गया, मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा में संत समाज प्रसारक के लिए एक योजना चलाई गई है जिसमें कोई संत महापुरुष की जयंती मनाता है तो उसमें 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये का पैसा दिया जाता है। किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ज्वार की 3 नई किस्में बनाई है? तो HAU ने बनाई है, 53F बनाई है, 1513 बनाई है, और HJ 1514 बनाई है, जिसके अंदर जो पौध है वो जल्दी तैयार होगी, उपज ज़्यादा होगी। और हरियाणा में आपको पता ही है कि ऑलरेडी जो है ना चारा बिजाई योजना ऑलरेडी चल रही है, जिसमें 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होगा और इससे पशुओं का भी डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा सुधरेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो है ना कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो टोटल इसमें 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 95% डिजिटल पेमेंट पर 5,00,000, 90% से 95% से कम में 2,00,000, 80% से 90% के बीच में 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को 2100 रुपये, पंचायत के एक भाग्यशाली को जो है सम्मानित किया जाता है। ये 15 अगस्त 2022 तक हरियाणा के अंदर 418 अमृत सरोवर बनाए जाने थे, लेकिन ये बन गए कितने? 557। मतलब टारगेट तो रखा था 418 का, लेकिन बना दिए गए तालाब कितने? 557। मतलब गांव के तालाबों को झील बनाने का टारगेट रखा है, यूं समझिएगा सीधा सीधा। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग का टाइटल जीत लिया? 89.08 मीटर का टाइटल इन्होंने फेंका। ये एक्चुअली अभी चोट के बाद में इनका बड़ी धमाकेदार वापसी की है इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप 2023 के लिए इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया। पशुधन जनसंख्या में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? तो हरियाणा में पशुधन जो है ना वो 1.23% से बढ़ा है हरियाणा के अंदर, ठीक है, लेकिन चारा कम हुआ है इसलिए चारा बिजाई योजना हरियाणा में चली रही है। शिक्षक अवार्ड के लिए कितने टीचर्स का नाम घोषित किया गया? तो हरियाणा में शिक्षक अवार्ड के लिए 47 टीचर्स का नाम घोषित किया गया है, इनको 1,00,000 रुपये नगद दिया जाएगा और 2 अग्रिम वेतन वृद्धि भी जो है ना इनको दी जाएगी। अगला आपका सवाल बनता है क्या जी, ये किन किन को मिलेगा, PDF फाइल में पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरखोदा में, ये तीसरा प्लांट है अभी बताया था मैंने आप लोगों को, जिसमें 2.5 लाख कारें सालाना बनेगी और 10 लाख तक का टारगेट बनाया गया है। और एक बात और बता देता हूं कि सुजुकी मोटर कॉर्प के अध्यक्ष का नाम है ओसामू सुजुकी, ये नाम थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करना पर कर देना, ओसामू सुजुकी।
अगला सवाल आता है आपका यहाँ पे कि हरियाणा के कौन से जिले का रेलवे स्टेशन जो है ना वो एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होने वाला है और वो फरीदाबाद जिले का रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। आप देखिएगा कुछ इस टाइप का इसका प्रोटोटाइप बनने वाला है, ठीक है, जिसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे छतों के ऊपर, तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ का। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो लग रहा है कि पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिले, कि हरियाणा का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों से मिलके सैनिक स्कूल कौन से गांव में खुला है, ये खुला खाराखेड़ी गांव में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक रहेगा। खाराखेड़ी फतेहवाद और हिसार की बॉर्डर पर पड़ने वाला एक गाँव है, वैसे है डिस्ट्रिक्ट तो इसका फतेहवाद ही, ठीक है। और वैसे आपको पता ही है कि हरियाणा के अंदर टोटल एक तो रेवाड़ी के अंदर है और एक है करनाल के कुंजपुरा में, तो तीसरा ये खुल गया आपका, ठीक है। एक मामार्थ कंपनी के बारे में जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा गुरुग्राम में, ये टॉप पे आई है 49.1 जो परसेंटेज है ना इसने अपने पैसे में बढ़ोतरी करी है, ये गुरुग्राम के अंदर है, साल 2016 में स्थापित हुई थी। गजल अलग जो है ना ये इसके फाउंडर है, को फाउंडर है, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल है कि हरियाणा का ट्रिपल पी मोड पे बनने वाला पहला हाईटेक बस स्टैंड, ये भी फरीदाबाद के अंदर ही बन रहा है आपका हाईटेक बस स्टैंड, बड़ा यूनिक सा बस स्टैंड बन रहा है फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन और के साथ जो है ना आपका ये बस स्टैंड, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना आप लोग। और ये अमृता वाला हॉस्पिटल तो चलो आपको वैसे भी याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। खजूर की खेती पर हरियाणा के अंदर कितने रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलता है, तो खजूर की खेती पर 1,40,000 रुपये प्रति एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान मिलता है ये खजूर की खेती करने पर। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जिसको आप HSVP कहते हो, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने 8.5 एकड़ ज़मीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाएगा, सोनीपत के मुरथल के अंदर बनाएगा, ये 225.35 लाख रुपए में बनाएगा। और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो है ना इसकी स्थापना 13 जनवरी 1970 को हुई थी, पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, क्या कि हरियाणा में वाइस चांसलर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं, तो हरियाणा के अंदर वाइस चांसलर ऑफ द ईयर जो है ना वो चुने गए हैं, ये याद रखना, इनका नाम है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है ना फिलहाल के लिए महेंद्रगढ़ के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके जो है ना VC है, और ये पहले किसके VC थे, तो इससे पहले ये VC थे GJU यूनिवर्सिटी के, अब GJU यूनिवर्सिटी के VC जो है ना BR कंबोज है, GJU HAU के दोनों के ही याद रखिएगा। और प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है ना अब महेंद्रगढ़ के अंदर एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जाटपाली जो है ना वहां पे, और वहां के ये VC हैं, तो इनको वाइस चांसलर ऑफ द ईयर चुना गया है। पूरे भारत में से 50 वाइस चांसलर में से इनको चुना गया है, इनके चलते हुए इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेंटर एसोसिएशन या यूं कहिएगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे जो है ना आपके ब्रेन वंडर्स के साथ मिलकर इन्होंने काम किए हैं, दिल्ली राजधानी के अंदर बहुत सारे जो है ना इन्होंने काम किए, मतलब यूं कहिएगा एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा रूप देने का इन्होंने कोशिश की, और इसी करके जो है ना इनका नाम लिया गया है यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास के चलते हुए, ठीक है। चलिए भाई, इसी के साथ में ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर जो है ना आपका ये पूरा हो गया है आपका, ठीक है ना। तो आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ठीक है। ये सेशन कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा, और मैंने कोशिश की है आप लोगों को कि कम समय में जल्दी रिवीजन देने के लिए। मेरा कंप्यूटर का बैच है, इसको आप लोग ले सकते हो Star IQ एप्लीकेशन पे। इस लेक्चर का PDF फाइल भी आपको Star IQ एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, ठीक है ना। Star IQ एप्लीकेशन को आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिलेगा। बाकी आप लोग वैसे PDF लेना चाहते हो तो Star IQ टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी Star IQ के नाम से ही है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना। सेशन कैसा लगा है इसको प्लीज आप लोग अपना फीडबैक देके जरूर बताना मुझे, ठीक है। और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्रिप्शन में डालिएगा, चैनल के सब्सक्रिप्शन थोड़े कम हो रहे हैं, आप किसी और जगह भी पढ़ते होंगे, आपका हो सकता है कोई दोस्त भी होगा ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे, तो इतना कहने में कोई शर्म नहीं है, किसी का सपोर्ट करने में। देखो सपोर्ट की नीड होती है हर जगह पे, मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला तो रम खां बन जाऊंगा, नहीं बना जा सकता, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है कोई ना कोई, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है ना। जस्ट रिक्वेस्ट है, कोशिश कर सकते हैं तो करिएगा आप लोग चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में, जल्दी से 1 लाख पूरे करवाने का सपना। दुआ तो देनी देनी है, दुआ के साथ थोड़ी सी मेहनत भी करनी है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते मुस्कुराते रहना। कोई डाउट अगर आपका है पैरेलली तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा कि हाँ सर मेरा ये डाउट है।
आज एक ही वीडियो में कंप्लीट अगस्त के करंट अफेयर हो गए।